हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। यहाँ पर हम एक पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड यहाँ पर बात करने वाला हूँ, जो एक यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है और अच्छा खासा रिटर्न आपको दे सकता है। और मार्केट में जितनी उसे गिरावट देनी थी वो दे चुका है। जिस पर्टिकुलर स्टॉक्स का नाम भी है न्यूलैंड लेबोरेटरीज। इस पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड बातें करेंगे, जानेंगे इसके फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल क्या कह रहे हैं, क्योंकि एक इंस्टेंट, जैसे कहते हैं ना, इंस्टेंट आपको रिटर्न देने वाला ये स्टॉक्स बन सकता है। तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे, बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े रिक्वेस्ट करूंगा इन्वेस्ट फॉर एवर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन। नितेश कुमार चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट करिए। बाकी वीडियोज हम बनाते ही रहते हैं। यहाँ पर कल आपको एचएलई, यहाँ पर देखिए काफी सारे स्टॉक्स दिए थे, एचएलई ग्लास कोड भी दिया था, यहाँ पर अच्छा खासा भागता हुआ नजर आ रहा है, जाके आप देख सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर ट्विटर और इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर लीजिएगा, और बेल आइकन को जरूर दबाइए, क्योंकि बेल आइकन काफी लोगों ने यहाँ पर नहीं प्रेस कर रखा है, जिस वजह से उनके यहाँ वीडियो नहीं पहुंच पा रही और जिस वजह से वो यहाँ पर सीख नहीं पा रहे। और अगर नहीं सीख पाएंगे तो याद रखिए मार्केट में उसका कोई यूज नहीं हो पाएगा। तो हम बात करें न्यूलैंड लेबोरेटरीज की, तो अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर देखिए सेलिंग ऑफ बल्क ड्रग्स एंड द कैटर बोथ डोमेस्टिक इंटरनेशनल मार्केट में कैटर्स करता हुआ नजर आते हैं, एज वेल एज सेल्स ऑफ बल्क ड्रग, मतलब यहाँ पर बल्क में यहाँ पर ड्रग्स यहाँ पर सेल करता हुआ नजर आते हैं, एज अ डेडिकेटेड 100% एपीआई प्रोवाइडर। ओके, यहाँ पर आप देखेंगे पूरा का पूरा एपीआई प्रोवाइडर ये पर्टिकुलर कंपनी नजर आती है। और भी कुछ जानना है तो यहाँ पर देखिए द कंपनी हैज थ्री बिजनेस सेगमेंट, नेमली प्राइम एपीआई, नीश स्पेशलिटी एपीआई एंड सीएमएस। तो यहाँ पर हम बात करें, कंपनी एक अच्छा खासा काम करती हुई दिखाई दे रही है। आप चाहे तो एक बार इनकी वेबसाइट पर विजिट करिएगा तो आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलेगी। देखिए यहाँ पर 100% एपीआई प्रोवाइडर में ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है। जेनरिक ड्रग सब्सटेंसेस इज स्टिल द हार्टलैंड ऑफ मेनी ऑफ आवर कस्टमर। तो यहाँ पर देखिए कस्टमर मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशन ये कंपनी प्रोवाइड करती हुई नजर आती है। पेप्टिसाइड्स इज एन एक्सप्रेशन ऑफ आवर एक्सपर्टीज, एज वेल एज न्यूलैंड इज द फ्रंट लाइन ऑफ द फैसिलिटीज। ये सारी की सारी एपीआईज में, एपीआई मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स में ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है, जिसका काफी सारा आगे चल के काफी स्कोप भी है। तो वो सारी चीजें हमें यहाँ पर देखनी पड़ेगी। कस्टमर अक्रॉस द फुल स्पेक्ट्रम ऑफ देयर एपीआईज, यहाँ पर देखिए 30 ईयर्स ऑफ एक्सपर्टीज है इन्हें, और काफी बेहतरीन कंपनी है इसका। अगर मैं आपको लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा एक मल्टी बैगेज कंपनी यहाँ पर साबित हुई है। यहाँ पर देखिए 128 रुपए का शेयर था, इसके बाद ये लगभग 2500 रुपए तक जाता हुआ दिखाई दिया, उसके बाद लगातार एक गिरावट है। और जब भी इस तरीके की एक गिरावट होती है, देखिए यहाँ पर भी एक गिरावट हुई थी, उसके बाद जब रिटर्न हुआ ये स्टॉक्स, कभी भी रिटर्न हुआ उसके बाद एक मल्टी बैगर रिटर्न मिलते हुए दिखाई दिया। अगेन शेयर आपको काफी नीचे भाव पे मिल रहा है, अब एक अपॉर्चुनिटी दोबारा बनती है, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, ऐसे शेयर जब नीचे आते हैं ना, आपको एक अपॉर्चुनिटी बनती हुई नजर आती है। शेयर के पीछे बताने का रीजन क्या है, तो यहाँ पर देखिए मार्केट कैप, कंपनी की मार्केट कैप लगभग 1400 करोड़ रुपए के आसपास की है, तो स्मॉल कैप कंपनी है। तो स्मॉल कैप कंपनी में इस तरीके के झटके, मतलब ऊपर गया फिर नीचे आया फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, जिगजैग मोशन यहाँ में चलता हुआ नजर आएगा। P21 का, इंडस्ट्री का P22 का है, तो कहीं ना कहीं शेयर यहाँ पर अभी भी सस्ता है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर, तो डेट की बात करें, केवल 29% का डेट है, इतना ज्यादा डेट भी नहीं है, डेट फ्री ही समझिए इसे। और यहाँ पर हाई लगभग 1857 का, इसने 52 वीक हाई लगा के आया था, तो अभी नीचे चल रहा है। ओके, और काफी 2600 से तो काफी नीचे चल रहा है, इस चीज को भी याद रखिए। इंट्रेंसिक वैल्यू उसी के आसपास चल रहा है, बुक वैल्यू थोड़ा सा आगे है, ROE कुछ खास नहीं है, और यहाँ पर सेल्स ग्रोथ और ये कुछ पॉइंट यहाँ पर नेगेटिव नजर आते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे क्वार्टरली रिजल्ट्स, तो सेल्स देखिए कंपनी की, सेल्स यहाँ पर लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। ओके, इस बार की सेल्स थोड़ी सी यहाँ पर डाउन होती हुई नजर आई है, 221 करोड़ रुपए की, एज वेल एज यहाँ पर एक्सपेंस भी कंपनी के डाउन होते हुए नजर आए हैं। तो यहाँ पर देखेंगे एक तो कंपनी के मेटेरियल कॉस्ट तो कंपनी ने कम कर दी, बट यहाँ पर बात करेंगे एम्प्लॉयज कॉस्ट, वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। और ये क्यों बढ़ती हुई नजर आ रही है, ऑब्वियस सी बात है ईयर एंड हुआ है। ओके, और ईयर एंड होने पर हर एक एम्प्लॉयज को यहाँ पर अप्रेजल दिया जाता है, बोनसेस दिए जाते हैं, एज वेल एज यहाँ पर बात की जाए उन्हें रेज दिया जाता है। तो इसी वजह से जो एम्प्लॉय कॉस्ट है ये एक बार बढ़ गई, ये बार बार नहीं बढ़ेगी, जो अब हो गई है वो यहाँ पर पूरे साल के लिए फिक्स हो गई है। तो ये एक फिक्स फिक्स एक्सपेंसिस में यहाँ पर काउंट किया जाता है, तो इस चीज को याद रखिएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस पे कम आता हुआ दिखाई दिया है, बट ईयरली बेसिस पे देखेंगे तो ईयरली बेसिस पे स्टिल यहाँ पर ज्यादा यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया, और यहाँ पर ईयरली बेसिस पे कंपनी का प्रॉफिट भी ज्यादा ही है। तो क्वार्टरली बेसिस पे इफेक्ट पड़ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सपेंसिस, और एक्सपेंसिस किस वजह से आया है वो मैं आपको यहाँ पर एलोबोरेट कर चुका हूँ। और
इसी वजह से अगर हम देखें तो ये शेयर लगातार यहाँ पर गिरता हुआ नजर आया, 1300 से लगभग 1078 रुपए पे ये शेयर आता हुआ दिखाई दिया। प्रॉफिट की ग्रोथ स्टोरी की बात करें तो ईयरली बेस पे यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी का जो प्रॉफिट है लगातार बढ़ा है। ओके, 397 करोड़ से 971 करोड़, और बेशक से यहाँ पर ये खरगोश की चाल, सॉरी कछुए की चाल चलता हुआ नजर आ रहा है, बट स्टिल यहाँ पर आपको पता ही है कौन जीतता हुआ नजर आता है, टॉर्टोइस जीतता हुआ नजर आता है, तो ऑब्वियस सी बात है ये शेयर भी यहाँ पर एक विनिंग शेयर है। नेट प्रॉफिट भी देखिए 5 करोड़ से सीधे 65 करोड़, तो ये भी यहाँ पर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा रिजर्व्स की बात करें, लगभग कंपनी के रिजर्व्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं 828 करोड़ का। बोरिंग की बात करें, कंपनी के पास लगभग 300 करोड़ के आसपास की बोरिंग थी, धीरे धीरे करके कम करी है, तो कभी अपसाइड डाउन से यहाँ पर आ रहे हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, बट ठीक है कोई इशू नहीं है, ज्यादा इतना बोरिंग नहीं है कंपनी के ऊपर। वर्किंग प्रोग्रेस में 20 करोड़ रुपए, और ये 20 करोड़ जब यहाँ पर फिक्स एसेट में एड हो जाएंगे ना, अगेन कंपनी का यहाँ पर प्रॉफिट और यहाँ पर सेल्स दोबारा बढ़ती हुई नजर आएगी। इन्वेस्टमेंट 4 करोड़, कैश यहाँ पर 20 करोड़। कंपनी यहाँ पर एपीआई में काम करती है, तो एक ये फैक्टर है, प्लस चाइना फैक्टर इसमें इंक्लूड होता है। प्रमोटर्स के पास एज इट इज 36.22% के शेयर यहाँ पर है। एफआईज की बात करें, एफआईज ने लगातार हिस्सेदारी यहाँ पर स्टार्टिंग में पहले कम करी थी, फिर उसका लगातार बढ़ाई है 12 से यहाँ पर 17.17.39, तो अभी भी यहाँ पर इस क्वार्टर में ही बढ़ाई है। डीआईज ने भी इस पर्टिकुलर क्वार्टर में हिस्सेदारी बढ़ाई है, और पब्लिक की बात करें 39% की है, और इसमें एक बड़ा नाम है जिन एक क्या यहाँ पर काफी सारे बड़े बड़े नाम यहाँ पर नजर आते हैं, जैसे मुकुल महावीर अग्रवाल, ओके, उनके पास 29.94% के शेयर है। इसके अलावा केडीएस सिक्योरिटीज, केडीएस सिक्योरिटीज किसकी आपको पता है, विजय केडिया सर की है, इनके पास 1% की हिस्सेदारी है। इसके अलावा कभी यहाँ पर डॉली खन्ना के पास भी शेयर थे, कभी यहाँ पर आशीष कचौलिया के पास भी शेयर थे, ओके, बेच के निकल गए, ऑब्वियस सी बात है ऊपर यहाँ पर जब प्रॉफिट हो रहा है तो निकलेंगी, बट यहाँ पर अगर बात करें शेयर अच्छा खासा यहाँ पर नजर आता है। ओके, अच्छे अच्छे यहाँ पर लोग अभी भी बने हुए हैं, और कुछ लोग यहाँ पर बेच के निकल गए, बट स्टिल शेयर यहाँ पर नजर आता है, और जब इतनी ज्यादा गिरावट हो गई है तो शेयर तो अच्छा ऑब्वियस सी बात है लगी गई, तो यहाँ पर आप देखेंगे पर्टिकुलर शेयर तो शेयर यहाँ पर लगभग 2800 रुपए पे यहाँ पर काम कर रहा था, और 2800 रुपए से अभी की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो लगभग 61% 61% यहाँ पर शेयर यहाँ पर गिर चुका है। अब एक चीज और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ सेक्टर रोटेशन कि किस तरीके से सेक्टर रोटेशन होता हुआ नजर आता है। तो मैं लगातार आपको पहले मैंने अगर मैं बात करूँ तो पहले मैंने आपको एफएमसीजी के बारे में बताया था कि किस तरीके से यहाँ पर एफएमसीजी जो है एफएमसीजी किस तरीके से काम करता हुआ नजर आ रहा है, और एफएमसीजी लगातार तेजी यहाँ पर करता हुआ नजर आएगा, तो एफएमसीजी सेक्टर आज की डेट में टॉप पर है। इसके अलावा हमने बीच में यहाँ पर ऑटो सेक्टर पकड़ा था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑटो सेक्टर में किस तरीके से तेजी हुई। अगेन मैं आपको यहाँ पर फार्मा पकड़ के दे रहा हूँ, ओके, आने वाले 3 से 6 महीने के अंदर अंदर दिसंबर काउंट कर लीजिए, ये शेयर यहाँ पर फार्मा अपने टॉप पर होगा। क्यों? क्योंकि कंपनी के जो जितने भी नेगेटिव पॉइंट्स थे, ओके, फार्मा के वो खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं एक बेहतरीन रिटर्न देने के बाद। जब कोविड खत्म होगा तो ऑब्वियस सी बात है सेल भी उस तरीके से कम हो ड्रॉप होती हुई नजर आई, और उसके बाद एक कंसोलिडेशन फेज और गिरावट, वो सब चीज इंक्लूड हो गई, ओके, और मार्जिन उस टाइम ज्यादा थे इस टाइम कम होते हुए नजर आए, बट वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, और अब यहाँ पर शेयर दोबारा भागता हुआ नजर आएगा, और जब भागता हुआ नजर आएगा तो शेयर यहाँ पर फार्मा इंडेक्स को ऊपर जाना है। जब फार्मा इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ऐसे स्टॉक जो यहाँ पर ऑलरेडी अपने आप को मल्टीबैगर साबित कर चुके हैं, जो ऑलरेडी यहाँ पर शेयर चल रहे हैं, ओके, और गिरावट के बाद फिर तेज भागते हैं, तो ऐसे शेयर को अगर लेके थोड़ा सा अगर पेशेंस के साथ आप पेश रखेंगे ऐसे शेयर को, तो अच्छा खासा यहाँ पर रिटर्न मिलता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर देखिए जो मैंने यहाँ पर आपको बता रखा है, नीचे की गिरावट की बात करते हैं पहले सपोर्ट की, तो एक अच्छा बेहतरीन सपोर्ट नजर आता है 1021 के आसपास, 1021 और 970 के आसपास, तो यहाँ पर समझिए कि 100 रुपए के आसपास ये शेयर और गिर सकता है लास्ट से लास्ट, ओके, मुझे लगता है गिरेगा नहीं, बट यहाँ पर फिर भी गिरता हुआ अगर नजर आता है तो इतना, बट ऊपर की साइड की बात करें तो अगर आपको इंस्टेंट रिटर्न की बात बताता हूँ, तो अगर यहाँ पर शेयर दोबारा इस लेवल को भी टेस्ट करता है तो सीधे 25 to 26% के रिटर्न आपके यहाँ पर सीधे बनते हुए नजर आ रहे हैं, कोई रोक ही नहीं रहा है इस रिटर्न को देने से। तो ओके, यहाँ पर देखिए जिगजैग मोशन में ऊपर जा रहा है, एज वेल एज यहाँ पर एक राउंडिंग बॉटम भी बनेगा, ओके, राउंडिंग बॉटम बना के चीजें दोबारा ऊपर जाती हुई नजर आएगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा ऑब्वियस सी बात है इस लेवल तक जाने में, लगभग 1 से 1.5 साल और 2 साल, 2023 पूरा गुजर जाए, ओके, बट स्टिल 1000 से अगर ये 2600 के लेवल पे जाता है तो आपको कितने रिटर्न मिलेंगे आपको यहाँ पर अंदाजा भी है, तो आप इस अंदाजे को अगर लेना चाहते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए लगभग 157% के रिटर्न मिलेंगे। तो मैं 157% के रिटर्न की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि अगर यहाँ पर भी चला जाता है 2200 के आसपास तो आपके पैसे डबल,
ओके, और यहाँ तक भी आ जाता है तो यहाँ पर पैसे 70% यहाँ पर आ जाता है, ये जो सर जितने भी ये पॉइंट्स बता रहा हूँ ये 57%, और यहाँ पर मुझे यहाँ पर 37%, तो इस दिसंबर तक ही लगता है कि यहाँ पर आता हुआ नजर आएगा। तो एक आध क्वार्टर में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, फ्लैट हो सकता है, शेयर ऑलरेडी गिर चुका है, ज्यादा गिरने के चांसेस है नहीं, रिजल्ट ईयरली बेसिस पे अच्छे खासे हैं, तो शेयर यहाँ पर ऊपर ही जाना है, नीचे नहीं जाना है यहाँ से। तो थोड़ा सा यहाँ पर बिलीव करके, थोड़ा सा यहाँ पर ऑब्वियसली बात है स्मॉल कैप है, और मैं हमेशा बताता हूँ स्मॉल कैप में ही अच्छा पैसा बनेगा, तो यहाँ पर अच्छा पैसा बनेगा तो रिस्क भी इन्वॉल्व है, तो रिस्क लेना चाहते हैं तो लीजिए, ऐसी कंपनी में लीजिए जहाँ पर हमने चार्ट देखे हैं कि किस तरीके से चीजें नीचे जरूर जाती है बट दोबारा कम बैक करती है, और अच्छे जोरदार तरीके से कम बैक करती है। तो मैंने आज इस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर खरीदे। अगर आप खरीदते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करें। वीडियो अच्छी लगे लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट जरूर करें और लाइक करिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।